गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। सर गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? बस सर बढ़िया। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने समय दिया और मेरे से बात करी। दो हमारे ये पहले इंटरेक्शन है। आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, शायद आपने कहा था तो मैंने कहा आपसे। हाँ सर, क्वेश्चंस हैं। बेसिकली सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है कि वी आर हैविंग टू थ्री अप्रोचेस, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, मेटा एनालिसिस एंड बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और दे आर द सेम थिंग, एक मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहले एक एक से बात करते हैं आपके सारे क्वेश्चंस पे। Right. सबसे पहले अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि तीनों बहुत सिनोनिमिकली यूज किए गए वर्ड्स हैं। अगर मैं बहुत कीन आई से इसको देखने की कोशिश करूं कि क्या ये दोनों बाकी अलग अलग टेस्ट हैं, क्या ये तीनों बाकी अलग अलग प्रोसीजर हैं, तो मोर ऑर लेस इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको मिलेगी। मेटा एनालिसिस को अगर आप देखोगे तो आपको ऑथर वाइज टेबल्स मिलती हैं, और बिब्लियोमेट्रिक को आप देखोगे तो यहाँ पे ऑथर्स की टेबल मिलती है। मेटा एनालिसिस में आप पहले डिफाइन करने की कोशिश करते हो, फिर बिब्लियोमेट्रिक में आप हाउ ऑथर्स हैव डिफाइंड क्रोनोलॉजिकली इसकी बात करते हैं, और एसएलआर भी मोर ऑर लेस यही होता है। मतलब अगर आप कहें कि कोई बिल्कुल नई चीज है जिसको पहली बार लेके आ गए हैं, बिब्लियोमेट्रिक इज न्यू, बिब्लियोमेट्रिक भी ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल नई चीज है, बहुत सालों से चला आ रहा है। लाइब्रेरी साइंसेस वाले इसको बहुत यूज करते थे पहले से। I do remember my days of graduation in 2003, in 2000 before that. तो मेरे जो लाइब्रेरी साइंसेस के टीचर थे वो बहुत सारी टेबल्स इस तरह की बनाते रहते थे, बहुत सारी टेबल्स बनाएंगे, उनकी इंडेक्सिंग करते थे। तो वही काम है मोर ऑर लेस, बहुत ज्यादा इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं स्टडीज भी देख रहा था तो आज से 10 साल पहले लाइब्रेरी साइंसेज में मेटा इसकी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस की बहुत स्टडी होती थी। बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज वाले लोग SLR ज्यादा करते थे, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू बेस्ड पेपर ज्यादा लिखते थे। पिछले 5 साल में मेटा एनालिसिस, 5 साल पहले से मेटा एनालिसिस का भी ट्रेंड बढ़ा है, और 2 साल से अगर देखूं तो बिब्लियोमेट्रिक इज इन ट्रेंड। तो हम ट्रेंड की बात करते हैं। जी, आपका सेकंड क्वेश्चन बताएं। सर सेकंड क्वेश्चन ये है, जब हम बिब्लियोमेट्रिक सपोज आज के ट्रेंड में है और हम इसे करना चाहते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के पेपर एक तो बहुत जल्दी बन सकते हैं इन कंपैरिजन टू अगर हम किसी कॉन्सेप्ट बेस पे लिख रहे हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप करेक्ट कर दीजिएगा। और सेकंड मेरे को लगता है कि जब बिब्लियोमेट्रिक जा रहे हैं तो हम सर्च कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वी आर हैविंग 2-3 डेटाबेसेस जो बहुत मेजर यूज करते हैं सोशल साइंस में। एक आपका गूगल स्कॉलर है, वेब ऑफ साइंस है, राइट मतलब इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा फील्ड स्टडी नहीं करना है, आपको बहुत सारे लोगों को टारगेट करके बात नहीं करना है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग और कोई बहुत स्ट्रिंजेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज नहीं करना है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बायस होने के और इनके चांसेस बहुत कम है। इस पार्ट पे तो यस, बिब्लियोमेट्रिक पेपर लिखना आसान है, लेकिन जब आप एक्चुअली बिब्लियोमेट्रिक पेपर लिखने बैठते हो तब समझ में आता है आपको कि इट इज कंपैरेटिवली मोर चैलेंजिंग, क्योंकि जब आपके पास टेबल्स होती है, से फॉर एग्जांपल रिग्रेशन की टेबल का इंटरप्रिटेशन लिखना है आपको, तो आर स्टैंड्स फॉर दिस, आर स्क्वायर स्टैंड्स फॉर दिस, सिग्निफिकेंस का मतलब ये होगा, तो आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, उन टेस्ट से रिलेटेड बातें लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस से रिलेटेड बातें लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास अपना लिखने के लिए कुछ नहीं होता। टेबल में जो मिला कि भाई इतने ऑथर थे और ये सारी 2-3 लाइनों में काम हो जाता है कि टोटल से फॉर एग्जांपल 500 लोगों ने इस पे काम किया, इतनी क्वेरी जनरेट की, इतने पेपर जनरेट की, इसके बाद फिर इस पेपर को टेबल और डायग्राम और ग्राफ बनाने के बाद जब एक्चुअली आप इसे लिखने जाते हो तब आपको समझ में आता है कि उस थ्योरी पार्ट को कवर करना हाउ डिफिकल्ट इट इज, इनफैक्ट डिफिकल्ट तो नहीं कहना चाहिए मुझे, हाउ चैलेंजिंग इट इज। इंटरप्रिटेशन करने में थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटरप्रिटेशन करने में मुश्किल होता है, मैं कहता हूँ कि इफ यू आर वेरी गुड इन लैंग्वेज पार्ट, लिंग्विस्टिक पार्ट आपका अगर बहुत अच्छा है, आप फ्लॉलेस इंग्लिश, स्टोरी राइटिंग, इस तरह की अगर चीजें लिखने में आप बहुत अच्छे हैं तो यस दिस इज वेरी वेरी इजी फॉर यू, और अगर आपको लिखने में चैलेंज आता है, लिखने में आपको मुश्किल होती है, तब ये मेथड मुझे नहीं लगता कि अगर आप जल्दी पब्लिकेशन और अच्छा पब्लिकेशन चाहते हैं और फिर उसके साथ इस मेथड में जाए ये इसका पार्ट है।
मुझे लगता है आपके तीसरे क्वेश्चन के लिए हमको एक अगले सेशन में जाना पड़ेगा. राइट सर. जी जी थैंक यू. हम इसके बाद अगले सेशन में मिलते हैं. श्योर सर.